तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग थॉमस हिलग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका टाइम पीरियड 1836 से 1882 के बीच में रहा। चलिए थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका बेसिकली जन्म 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान में हुआ था, और उनके पिता इंग्लैंड के चर्च में एक विख्यात पादरी हुआ करते थे। वह धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे तथा बाइबल की सच्ची शिक्षा देने वाले इंजीलवादी संप्रदाय का अनुयायी रहे हैं इनके पिता। इस प्रकार की दृढ़ आस्था वाले पिता का बालक ग्रीन पर भी इन विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। 14 वर्ष की आयु तक ग्रीन ने घर में ही विद्या का अर्जन किया, और सन 1885 में ग्रीन ने ऑक्सफोर्ड के बेलियन कॉलेज में प्रवेश किया। यहीं पर उसने अपने जीवन का शेष समय व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में ग्रीन कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं था। उन्होंने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के अध्ययन में विशेष दिलचस्पी नहीं ली, किंतु वो परिश्रमी अवश्य थे, लेबोरियस थे, और अनेक विषयों के मौलिक और प्रसिद्ध ग्रंथों का व्यापक अध्ययन अवश्य करते थे। ऑक्सफोर्ड में उनका संपर्क प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर बेंजामिन जोबेट के साथ हुआ। उनके ही प्रोत्साहन से ग्रीन का बौद्धिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ। 1860 में ग्रीन बेलियन कॉलेज में फेलो निर्वाचित किए गए और 1866 में ट्यूटर बने, और 1878 में इसी पद पर कार्य करते रहे। सन 1878 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने अध्ययन व अध्यापन कार्य में काफी ख्याति अर्जित की। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वे उदार दल के प्रभावशाली सदस्य थे। हालांकि अब जो उदार दल है इंग्लैंड में, अब वो है नहीं, मतलब कतिपय कारणों से वो खत्म हो गया है। और निर्वाचनों में अपने दल के पक्ष में उन्होंने कई बार प्रभावशाली भाषण दिए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में सबसे उल्लेखनीय कार्य शराबबंदी के संदर्भ में किया। उनका भाई पक्का शराबी था, इसीलिए वो शराब के प्रति घोर घृणा रखते थे। लोगों को शराब की आदत छुड़वाने के लिए उसने ऑक्सफोर्ड में काफी पिलाने की एक दुकान खोली कि लोग काफी पिए, शराब न पिए। उसने मद्य निषेध आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और सरकार से यह मांग की कि शराब के व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। 26 मार्च 1882 को 46 वर्ष की अल्पायु में इस महान दार्शनिक की ऑक्सफोर्ड में मृत्यु हो गई। तो हालांकि ये सब चीजों से ये दूर रहे शराब वगैरह से, लेकिन उनकी मृत्यु 46 साल में ही हो गई। तो जरूरी नहीं है कि आप शराब ना पिए, फिर भी कुछ बीमारी रही होगी। तो ग्रीन के विचार दर्शन के स्रोत, तो यूनानी साहित्य से ये महत्वपूर्ण चीजें लेते हैं। तो यूनानी साहित्य से क्या लेते हैं, तो ग्रीन के दर्शन का प्रथम स्रोत यूनानी साहित्य, विशेष रूप से प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु से ये आदर्शवाद का आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट लेते हैं। यूनानी दार्शनिकों सिवा इस बात पर सहमत है कि राज्य स्वाभाविक है, आवश्यक है, और व्यक्ति का जीवन समाज के जीवन का अभिन्न अंग है। तो यूनानी साहित्य है, यूनानी लिटरेचर है, उसमें राज्य को एक नैसर्गिक संस्था माना गया है या एक प्राकृतिक नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना गया है, और ये नेसेसरी है ताकि लोगों का नैतिक विकास हो सके। और जो यूनानी साहित्य है, यूनानी दार्शनिक कौन कौन से हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल, तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है ना, मैनेजर सोशल एनिमल, इसलिए उसको स्वाभाविक है कि वो राज्य में रहेगा। और इस प्रकार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है उनका, जो यूनानी दार्शनिक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो और अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर बीस्ट और गॉड। तो जो बिना स्टेट के रह सकता है, या तो वो राक्षस है या भगवान है। तो इस प्रकार स्टेट का वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये जो धारणा है आदर्शवाद की, ये यूनानी साहित्य से ग्रीन ने बारो की है। रूसो का दर्शन, तो ग्रीन के लिए प्रेरणा का दूसरा बड़ा स्रोत रूसो का दर्शन रहा है। तो जो कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट है, कॉमन गुड का सबकी भलाई का कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली रूसो ने जनरल बिल का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो जनरल बिल होती है वो और हमारी एक्चुअल बिल से अलग होती है ना। और फॉर एग्जांपल जनरल बिल क्या है कि आप कचड़े को कहाँ डालें, कचड़े को कूड़ादान में ही डालें, या कि जो कूड़ा गाड़ी आती है उसमें डालें। लेकिन आपका इंडिविजुअल हित क्या रहता है, चलिए हम बगल में मैदान है वहीं पर फेंकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, पूरे समाज को नुकसान होगा। तो जनरल बिल क्या है कि आपको कूड़ादान या कि जो गाड़ी आती है उसमें ही डालना चाहिए। तो ये है, आपकी एक्चुअल बिल अलग है और जनरल बिल अलग है। तो जनरल बिल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि समाज का विकास होता है। रूसो के समान उसने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है।
जर्मन आदर्शवाद से वो प्रभावित था टी एच ग्रीन। तो तृतीय शोध जिससे ग्रीन ने प्रेरणा ग्रहण की जर्मन आदर्शवाद है, जिसका प्रतिनिधित्व कांट, फिक्टे और हेगल ने किया है। विशुद्ध अध्यात्म शास्त्रीय क्षेत्र यानी प्योरली मेटाफिजिकल फील्ड में ग्रीन ने फिफ्टे और हीगल की विचारधारा को स्वीकार किया है, किंतु आचार शास्त्रीय और राजनीतिक क्षेत्रों में ग्रीन का मुख्य प्रेरणा स्रोत कांट ही है। तो कांट से बहुत ज्यादा प्रभावित है टी एच ग्रीन। कांट बेसिकली क्या कहता है कि एक मनुष्य साध्य होता है, अपने आप में साध्य होता है, उसे किसी साधन के रूप में नहीं यूज करना चाहिए, किसी व्यक्ति द्वारा उसे एक साधन के रूप में अपने एंड गोल को अचीव करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति स्वयं में साध्य होता है, इस चीज का टी एच ग्रीन ने यूज किया है अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता को जब वो प्रतिपादन करते हैं। तो परंपरा विरोधियों के विचार, तो ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का चौथा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत परंपरा विरोधियों यानी नॉन कन्फॉर्मिस्ट के विचार हैं। यदि हेगल ने ग्रीन के दार्शनिक आदर्शवाद को और कांट ने उसके नैतिक विचारों यानी एथिकल थॉट्स को आधार प्रदान किया है, तो परंपरा विरोधियों ने उसके राजनीतिक विचार पर गहरा प्रभाव डाला। तो जो परंपरावादी या रूढ़िवादी जो विचारक हैं, रूढ़िवादी विचारक कौन है, फॉर एग्जाम्पल बर्क। तो बर्क किसी भी है ना अथॉरिटी का आधार क्या मानते हैं, परंपरा को मानते हैं। तो ये बर्क जैसे लोग हैं, ये इनसे क्या लेता है, राजनीतिक विचार उसके प्रभावित हैं। टी एच ग्रीन ब्रिटिश आदर्शवाद का न्यायक और समाजवादी उदारवादी यानी सामाजिक उदारवादी यानी सोशल लिबरलिस्ट था। वह ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। ऑक्सफोर्ड स्कूल के तीन दार्शनिक हैं जो आदर्शवादी हैं, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके। इस स्कूल की विचारधारा में आदर्शवाद के साथ उदारवाद का साम्य है। तो यही ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके, यही सकारात्मक जो उदारवाद है उसके प्रणेता भी कहे जाते हैं। ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके को नव हीगलवादी कहा जाता है। ग्रीन की कृतियां कौन कौन सी हैं, तो प्रोलेगमोना ऑफ इथिक्स यानी नीति शास्त्र की प्रस्तावना, ये 1883 में बुक आती है, प्रोलेगमोना टू इथिक्स। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर व्याख्या, ये 1886 में बुक आती है। ये दोनों कृतियां उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। लेक्चर्स ऑन द लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर ऑन इंग्लिश रिवोल्यूशन, अंग्रेजी क्रांति पर भाषण, और ह्यूम्स ट्रीटाइज, ये 1874 में बुक आती है। ग्रीन मूलतः समन्वयवादी, समन्वयवादी कैसे हुआ कि ये बहुत सारे जो विचार थे, जैसे मान लीजिए नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार था, तो उसे इसने समन्वय करके सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार में बदल दिया। आगे चल के देखेंगे कि इसने बहुत सारी चीज़ों को मिलाने का काम किया है, इसलिए इसे समन्वयवादी कहा जाता है। मिलाने का इन द सेंस की मिडिल पाथ पर इसने दो एक्सट्रीम को जोड़ के एक मिडिल पाथ खोज करने की कोशिश की है, इसलिए इसे समन्वयवादी विचारक कहते हैं। ग्रीन ने जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश उदारवाद को मिलाया तथा उदारवाद को आदर्शवाद के साथ जोड़कर उसे नकारात्मक स्वतंत्रता और संकीर्ण व्यक्तिवाद के दायरे से बाहर किया। तो जर्मन आदर्शवाद जो था और ब्रिटिश उदारवाद, तो ब्रिटिश उदारवाद क्या था, ब्रिटिश उदारवाद में व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी जाती थी सबसे ज़्यादा, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, और एक नाइट वॉचमैन स्टेट की बात की जाती है। लेकिन जर्मन आदर्शवाद है, इसमें राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हेगल क्या बोलता है कि राज्य, स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो स्टेट क्या है ईश्वर का इस धरती पर आगमन है, तो ये राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं आदर्शवादी, जो जर्मन आदर्शवादी हैं। और ये जो सोशल गुड है या जो सामाजिक गुड है, सामाजिक जो भलाई है, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि इंडिविजुअल गुड। तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, ग्रीन करता है। यही बात इसने कांट और हीगल से क्या लिया, आदर्शवाद लिया है। वह हीगल की अपेक्षा कांट से ज्यादा प्रभावित है, कांट से उसने नैतिकता ली है। उसने रूसो से सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का विचार लिया है, पर इसकी जो सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति है उसको हटा दिया है। तो हीगल क्या कहता है कि अगर एक बार आपने जनरल विल कैसे बनेगी, जनरल विल कोई और नहीं बनाएगा, लोग ही बनाएंगे, है ना, पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट भी देता है कौन, दोस्तों, तो पॉपुलर सॉवरेंटी के माध्यम से लोग ही जनरल बिल को बनाएंगे, है ना, जनरल बिल में लोग आपस में आएंगे और जो है तो लॉज बनाएंगे। लेकिन एक बार अगर जनरल बिल बन गई तो रूसो क्या कहता है कि उसको फिर लोग भी उसको डिसओबे नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई लॉ बना है ना, अब लोग उसको डिसओबे नहीं कर सकते हैं भले ही वो कानून उनके हित में हो या ना हो। तो इससे क्या होता है कि जो तत्कालीन बड़े बड़े लीडर हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हिटलर,
ना, हिटलर, हिटलर जैसे विचारकों ने क्या किया, स्टालिन जैसे विचारकों ने क्या किया कि इसका यूज करके एक व्यक्ति को ना सर्वाधिकारी बना दिया है ना, सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारवाद की वो काइंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म को उन्होंने गढ़ दिया इसके माध्यम से, इस विचारधारा के माध्यम से कि जो स्टेट द्वारा बनाए गए कानून है, जनरल बिल है, अब उसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन रूसों की जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा से बेसिकली कॉमन गुड निकलता है, कॉमन गुड यानी सबकी भलाई निकलती है, इसके पहले बताया भी था मैंने, कॉमन गुड निकलता है, तो इसको जो महत्वपूर्ण मानता है कौन, ग्रीन। लेकिन जो सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति है उसको ये बाहर कर देता है। ग्रीन पर लॉक के उदारवाद का ही प्रभाव है, लॉक द्वारा समर्थित संपत्ति के अधिकार को वह स्वीकार करता है। लॉक बेसिकली राइट टू लाइफ लिबर्टी, राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो संपत्ति का अधिकार है उसको स्वीकार करता है कौन, ग्रीन। पर साथ ही लॉक द्वारा समर्थित प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा व नकारात्मक उदारवाद का वह खंडन करता है, इसी वजह इसकी जगह सकारात्मक उदारवाद यानी आधुनिक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। तो लॉक नाइट वॉचमैन का स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं और नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि स्टेट इकोनॉमी में या कि किसी भी व्यक्तियों के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राइट टू लाइफ लिबर्टी पर तो बिल्कुल नहीं करेगा, और रूल ऑफ लॉ से गाइडेड होगा। लेकिन जो टी एच ग्रीन है उनका मानना है कि नॉन इंटरफेरेंस आज के डेट में संभव नहीं है, तो स्टेट को टाइम टाइम पर लोगों की भलाई के लिए, कॉमन गुड को अचीव करने के लिए इंटरवेंशन तो करना पड़ेगा, तो इंटरवेंशन की ये बात करता है और लोक कल्याणकारी राज्य की ये संकल्पना देता है। इसलिए सेवाइन ने लिखा है कि उदारवाद का सबसे प्रभावी और सफल संशोधन करता कौन है, ग्रीन। ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और बेंथम के उपयोगितावाद और सुखवाद का खंडन कर नैतिक आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बढ़ावा दिया। तो ये बात आगे चलते हैं, ग्रीन के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ ग्रीन क्या थे। तो राजनीति का आधार, राजनीति का आधार क्या है, नैतिकता। तो ब्रिटिश उदारवाद जो कि अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म, उपयोगितावाद व व्यक्तिवाद की नींव पर खड़ा था, उसकी बजाय ग्रीन ने उसे नैतिकता की नींव पर खड़ा किया। ग्रीन का मानना था कि मताधिकार, विधियों का निर्माण, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना का आधार सुख या उपयोगिता की बजाय नैतिकता व सामान्य सुख यानी कॉमन गुड, सर्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो जो ब्रिटिश उदारवाद है वो राजनीति का आधार क्या मानता है, वो राजनीति का आधार इंडिविजुअल लिबर्टी को मानता है, और इंडिविजुअल लिबर्टी वो अनरिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का है ना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना। स्टेट ऐसे लॉ नहीं बनाएगा कि जिससे इंडिविजुअल लिबर्टी कंप्रोमाइज होती हो, और बाद में इसको संशोधित करने के लिए उपयोगितावाद आता है, यूटिलिटेरियनिज्म आता है। तो जहाँ पर ब्रिटिश उदारवादी जो नेचुरल राइट्स को महत्वपूर्ण मान रहे थे कि जो राइट्स हैं वो बेसिकली स्टेट के पहले आए हुए हैं और स्टेट ने नहीं दिया है, बल्कि मनुष्य को ये जन्मजात मनुष्य होने का ही राइट मिले हुए हैं। लेकिन जो उपयोगितावाद है, फॉर एग्जाम्पल बेंथम, बेंथम ने क्या कहा कि जो राइट्स हैं वो क्रीचर ऑफ स्टेट है, वो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, राज्य नहीं होगा तो राइट नहीं होंगे। तो जो बेंथम है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो ये दूसरी बात करते हैं, ये दूसरी बात करते हैं ना, ये लास्ट को कम से कम लीगल राइट्स की बात करते हैं कौन, जो ये उपयोगितावादी है ना। लेकिन जो ग्रीन है वो नैतिकता की बात करता है कि जो लॉज हैं या कि जो राजनीतिक आधार होना चाहिए वो नैतिकता होनी चाहिए, कॉमन गुड होना चाहिए, सर्व कल्याण होना चाहिए। ग्रीन की सामान्य हित कॉमन गुड की अवधारणा क्या है, तो उदारवाद और उपयोगितावाद व्यक्तिवाद पर आधारित है तथा व्यक्तिगत हितों की वरीयता तथा व्यक्तिगत हितों को वरीयता देता है, कौन, उदारवाद और उपयोगितावाद। ये व्यक्तिगत व्यक्तिवाद पर यानी इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है और व्यक्तिगत हितों को वरीयता देता है, इंडिविजुअल राइट्स को वरीयता देता है। वहीं ग्रीन मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानता है, सोशल एनिमल मानता है, जो सामान्य हित को बढ़ावा देता है। मनुष्य अपने स्वार्थ यानी सेल्फ इंटरेस्ट व व्यक्तिगत सुख यानी इंडिविजुअल गुड को उतनी अच्छी तरह नहीं पहचानते जितनी अच्छी तरह से वे सामान्य गुड व हित को पहचानते हैं। ग्रीन ने अपनी कृति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये 1885 में आती है, में आदर्श राज्य, ये जो बुक है बेसिकली उनके मरने के बाद लिखी गई थी, में आदर्श राज्य आइडियल स्टेट की परिभाषा दी है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना, राजनीतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। राज्य के कानूनों व आदेशों को मानना का आधार भी सामान्य हित का विचार है। राज्य को केवल वहीं तक कानून बनाने का अधिकार है जहां तक
वह सामान्य हित की पूर्ति करता हो और व्यक्ति भी कानून का पालन करने के लिए वहीं तक बाध्य है जहां तक वह सामान्य हित के लिए अनुरूप हो। ग्रीन सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है, फिर भी कांत की तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ना तो समाज मतलब ये जैसे सोशल गुड है तो उसको भी ज्यादा प्राइमेसी नहीं देता है कि चलिए स्टेट को ही वो सुप्रीम ही मानता है, जैसा हीगल और अन्य विचारक मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीगल हो गए, फिर अन्य दसवादियों में प्लेटो हो गए, तो ये स्टेट को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, लेकिन ये स्टेट को भी लिमिट करता है। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है और समाज है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों इस प्रकार वो उनमें समन्वय स्थापित करता है। ना तो ज्यादा स्टेट को राइट मिले जिससे कि वह सर्वाधिकारवादी हो जाए, और ना तो इंडिविजुअल को इतना ज्यादा राइट मिले कि उसकी जो कुछ करने की क्षमता है वो समाप्त हो जाए। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि समाज के बिना व्यक्ति कुछ नहीं होते हैं। यह बात इतनी ही सच है कि व्यक्तियों के बिना समाज भी कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई समाज नहीं होता। नैतिक अधिकार सिद्धांत, जहां लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों, बिंथम ने विधिक अधिकारों पर बल दिया, वहीं ग्रीन ने नैतिक अधिकारों का समर्थन किया। तो बेसिकली जो राइट्स होते हैं वो राइट्स तीन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल राइट्स हो गए, नेचुरल राइट्स की वकालत कौन करता है? नेचुरल राइट्स की वकालत कौन करता है? लॉक करता है। लॉक कहता है कि जो राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये हमको नेचर के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए स्टेट इनको छीन नहीं सकता है ना, तो इसीलिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है ना, तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है और राइट टू रिवोल्ट भी देता है, तो स्टेट इन चीजों को छीन नहीं सकता है। लेकिन जब उपयोगितावाद में बेंथम आता है तो बेंथम क्या करता है? बेंथम इन चीजों को अस्वीकार कर देता है। उनका बेंथम का कहता है कि नेचुरल राइट्स आर स्टिल्ट, ये बकवास है ना, ये स्टिल्ट, नेचुरल राइट्स आर स्टिल्ट, तो ये जो बेंथम है नेचुरल राइट्स को बकवास मानता है। जबकि बेंथम का मानना था कि जो लॉज होते हैं वो क्रीचर ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब स्टेट के द्वारा बनाए हुए कानून ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के द्वारा लोगों की भलाई हो सकती है। तो ये कम से कम लीगल राइट की बात करते हैं, कौन? बेंथम या उपयोगितावादी। थर्ड आता है, थर्ड कॉन्सेप्ट से हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ राइट। तो राइट्स का हिस्टोरिकल बेसिस ये कौन कहता है? ये बर्क, बर्क बात करते हैं कि कस्टम्स है ना, ट्रेडिशन है ना, तो हम अपने बुजुर्गों की जो अथॉरिटी है उसको क्यों स्वीकार करते हैं ना, हिस्टोरिकल रीजन है इसका है ना, हमेशा से ऐसा हो रहा होता आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हम अपनी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके जो हमारे जो धर्मगुरु हैं उनकी अथॉरिटी को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बचपन से या कि हिस्ट्री से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो टी एच ग्रीन है ये नैतिक आधार देता है ना, मॉरल बेसिस प्रोवाइड करता है राइट्स के। तो हम अपने जो फॉर एग्जाम्पल आप अपने माता पिता आपसे सेवा की अपेक्षा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। तो प्लेटो और अरिस्टोटल ये नैतिक अधिकार की वकालत करते हैं कि हम अपनी नैतिकता के कारण, सद्गुण के कारण हम हमारे कुछ अधिकार हैं। तो ये ग्रीन के अधिकार के तीन शर्तें हैं। अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं, ये व्यक्ति के नैतिक दावे हैं, मॉरल क्लेम्स हैं। फिर जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, तो फॉर एग्जाम्पल जो लेस्बियन होते हैं तो अब भारत में आप सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सेम सेक्स मैरिज? क्योंकि समाज नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन मर्डर के लिए मृत्यु दंड दिया जाए, ये समाज स्वीकार करता है। तो ये नैतिक दावे हैं और इन्हें समाज द्वारा अगर स्वीकृत हो तभी वो अधिकार कहे जाएंगे और राज द्वारा संरक्षित हो। तो अभी राज्य भी जो गे होते हैं उनके राइट्स को भारत में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको अपराध नहीं घोषित किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पहले चीज़ तो नैतिक दावे नहीं बने हैं, दूसरी चीज़ समाज ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है और राज्य द्वारा इन्हें संरक्षण भी नहीं दिया गया। ग्रीन के इन्हीं विचारों को, इन्हीं शब्दों को बार्कर ने इस प्रकार कहा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की चाहत रखती है, स्वतंत्रता अधिकार मांगती है और अधिकार राज्य से जुड़े होते हैं। तो मानवीय चेतना होती है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है, उसे स्वतंत्रता चाहिए होती है। स्वतंत्रता जब तक अधिकार नहीं होंगे तो किस प्रकार की स्वतंत्रता? तो अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया ना, तब ना आप आर्टिकल 21 के तहत अपने राइट टू फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है। और फिर अधिकार किससे लेंगे आप? अधिकार जाके आप किससे लेंगे बताइए? अधिकार आप राज्य से ही ना मांगेंगे, तो राज्य से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार किसी
अनुभवातीत कानून से पैदा नहीं होते जैसा कि जॉन लॉक ने सोचा था, बल्कि अधिकारों की उत्पत्ति मनुष्य की नैतिक प्रकृति मोरल नेचर से होता है। व्यक्ति अच्छे होते हैं इसलिए वो लॉज का निर्माण करते हैं। अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक होती हैं। जो अधिकार हैं वो सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक होती हैं। प्रोफेसर स्वाइन का कथन है कि ग्रीन के लिए व्यक्तिगत दावे और सामाजिक स्वीकृति की यह पारस्परिक आत्मनिर्भरता एक न्यायिक संकल्पना नहीं बल्कि नैतिक धारणा है। यह अधिकारों के संबंध में बेंथम की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करता कि अधिकार विधि कानून की सृष्टि है। नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा, तो नैतिक स्वतंत्रता की मोरल फ्रीडम की क्या स्वतंत्रता है, क्या कंसर्न है उसको देखते हैं। यह अवधारणा जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक कांट के विचारों से प्रभावित है। कांट ने स्वतंत्र नैतिक इच्छा फ्री मोरल बिल का विचार दिया। तो फ्री मोरल बिल का कॉन्सेप्ट कौन देता है, कांट देता है। तो कांट का कहना है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रोस्टिट्यूट है वैसे, तो वो प्रोस्टिट्यूशन क्यों करती है, क्या वो नैतिक रूप से, क्या वो नैतिक रूप से स्वतंत्र है, क्या वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रही है। तो अगर उससे पूछा जाए कि क्या आप अपनी इच्छा से करती हैं, तो नहीं, वो अपनी इच्छा से नहीं करती। तो उसकी जो बिल है वो सबॉर्डिनेटेड है ना, उसकी बिल स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। तो उसका जो काम है उस पर नैतिक स्वतंत्रता उसके अंदर नहीं है। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए और उसे ऐसे अवसर प्रोवाइड कराने चाहिए स्टेट को, समाज को, कि वो ऐसी चीज़ों को ना करे, तब जाके वो नैतिक रूप से मोरल होगी। ये बात है, नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में सबको आत्मसम्मान यानी सेल्फ डेवलपमेंट का अवसर व परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए, है ना। इवन एक प्रोस्टिट्यूट को भी ये सब स्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ जुटाना राज्य का दायित्व है ना, राज्य है ना उसको पढ़ाए लिखाए और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे कि वो ये सब छोड़ के कोई अच्छा गरिमा में काम करने लगे। ग्रीन के इन्हीं विचारों को बारकर ने इस प्रकार कहा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार मांगती है, अधिकार राज्य की मांग करती है। इस प्रकार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के नैतिक व आत्मिक विकास में बाधा पहुंचाने की बजाय उसकी नैतिक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर करे। तो यहीं से सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि राज्य बाधाओं में बाधा पैदा करे। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 मीटर रेस दौड़नी है, तो राज अब आपके पास बाधा क्या है कि आपके पास जूते नहीं है ना, शूज नहीं है ना, आपके पास ना प्रैक्टिस करने के लिए कपड़े नहीं है। तो राज ये जो आपकी बाधा है इसको, इस पर बाधा पैदा करे और राज आपको शूज प्रोवाइड करे है ना, हर्डल्स आपकी दूर करे, आपको कपड़े प्रोवाइड करे, जिससे कि आप जो आपकी जो नैतिक स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से आप अपना विकास कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो राज उन बाधाओं में बाधा उत्पन्न करे। यहीं से सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आता है, आगे चल के पढ़ेंगे। इस प्रकार गेन की नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के विचार को बढ़ावा देती है। यही बात, स्वतंत्रता का ऐसा नकारात्मक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह प्रतिबंधों का अभाव। तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, लिबर्टी या फ्रीडम दो प्रकार की होती है, फ्रीडम दो प्रकार की होती है। एक तो निगेटिव फ्रीडम है, निगेटिव फ्रीडम क्या है, निगेटिव फ्रीडम में क्या कहा जाता है कि यह किसी भी प्रकार के बंधनों का अभाव है ना, तो ये किसी लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना, किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, ये है निगेटिव लिबर्टी। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि कोई व्यक्ति है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बंधन, स्टेट कोई बंधन नहीं लगाता है आपको है ना उच्च शिक्षा लेने के लिए, है ना, स्टेट आपको फॉर एग्जाम्पल आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट अपनी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति जेआरएफ की तैयारी उसी अनुयोग से कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसलिए स्टेट क्या करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट पहले तो जो है ना दबे कुचले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ST ST दलित, इनको जो नेट का एग्जाम होता है उसमें फीस कम ली जाती है ना, तो 1000 रुपये सबको देनी पड़ती है जनरल वालों को, लेकिन ST ST वालों को कुछ नहीं देना पड़ता। तो ये है स्टेट उनकी जो बाधा है उस पर बाधा उत्पन्न करा रहा है, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता कि स्टेट आगे बढ़कर फिर स्टेट आरक्षण देता है। अगर जनरल वाले का 99 कट ऑफ जाता है तो ST ST वालों का 95 या 96 में ही हो जाए, तो स्टेट जो एक व्यक्ति के एक जो है ना ST ST कम्युनिटी के लोग हैं, दलित व्यक्ति हैं, जो हिस्टोरिकली जिनको दबाया गया है उनके जो अधिकार हैं उनको रियलाइज कराने के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट स्टेट लेके आता है और उन पर जो है तो उनकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये है, कहाँ थे हम लोग, ये तो है ना स्वतंत्रता का
ऐसा नकारात्मक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह प्रतिबंधों का अभाव है, जैसा सुंदरता का नकारात्मक अर्थ क्रूरता का अभाव नहीं लगाया जा सकता। तो अगर आपसे कोई पूछे सुंदरता क्या है, तो आप कह दें कि नहीं, जो क्रूर नहीं है वही सुंदर है। तो ऐसा नहीं, सुंदरता एक कॉन्सेप्ट है। सुंदर व्यक्ति की क्या कोई है ना कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं सुंदरता की क्या पराकाष्ठा है? कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। तो जो कुरूप है इसका मतलब वो सुंदर थोड़ी है, ये गलत है। ऋण का प्रसिद्ध कथन है कि सुंदरता ऐसा करना या पाने की सकारात्मक शक्ति है जो करने या पाने के योग्य है ना। दूसरे शब्दों में सुंदरता किए जाने वाले कार्य की योग्यता आनंद व आनंददायक कार्य करने की शक्ति है। तो फॉर एग्जाम्पल आप संगीत बजाना चाहते हैं लेकिन अब आपके पास कोई उपकरण नहीं है तो इस सुंदरता थोड़ी हुई। स्टेट क्या करेगा, आपको उपकरण देगा है ना, आपकी ट्रेनिंग करवाएगा। तो ये है कि आपको सकारात्मक स्वतंत्रता तब आप रियलाइज करते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, तभी तो आप स्वतंत्र हैं। नहीं तो आप बनना IAS चाह रहे हैं और आप उस बनने के काबिल नहीं है या उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ आप स्वतंत्र हैं ना। ये कोई भी उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आप जो है तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या आपकी कुछ ऐसी बाधाएं हैं, आप विकलांग हैं, या कुछ कैसे भी हैं। तो इन सब चीजों को स्टेट ध्यान में रखेगा और सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रावधान लेके आएगा। ग्रीन का राज्य बाधाओं में बाधा उत्पन्न करेगा। तो जो ग्रीन है रात प्रहरी है, नाइट वॉचमैन स्टेट, और हस्तक्षेपकारी लेसर फेयर इस राज्य की बजाय सकारात्मक व कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। राज्य का प्रमुख कार्य क्या है, व्यक्ति के आत्मविकास व नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं और अक्षमताओं को दूर करना। वही बात है जो अभी हमने बताया, राज्य बाधाओं का बाधक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधाएं आती हैं, राज्य उन बाधाओं के समक्ष बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, वह उन बाधाओं को हटा देता है। ग्रीन ने बाधाओं में बाधक की शब्दावली किससे ली है, कांट से ली। व्यक्ति के अच्छे व नैतिक जीवन में तीन तरह की बाधाएं होती है, पहला अज्ञान व अशिक्षा, दूसरा गरीबी, तीसरा नशाखोरी। तो स्टेट क्या करेगा, आपको सबसे पहले शिक्षा देगा है ना। शिक्षा से क्या होगा, आप एम्प्लॉयमेंट के एलिजिबल हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इससे आपकी गरीबी दूर होगी। और राज्य नशाखोरी पर प्रतिबंध लगा के इन सब चीज़ों को खत्म करेगा। बेसिकली ग्रीन उस समय हुआ था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने पीक पर था और जो मजदूरों का शोषण था वो बहुत तीव्र गति से हो रहा था, और उसी समय मार्क्स भी अपनी विचारधारा लेकर आए थे। तो उसे है ना टी एच ग्रीन ने इन सब चीज़ों को भांप लिया था कि अगर स्टेट है नहीं सुधरा कल को क्रांति होगी इंग्लैंड में, इसलिए ये सब चीजें वो लाता है कि अशिक्षा है ना भाई। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे, है ना, 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे, गरीबी थी, नशाखोरी थी, अशिक्षा थी। स्टेट कहता है कि अरे भैया इनको शिक्षा दो, इनको गरीबी से बाहर हटाओ, नशाखोरी को बंद करो। क्यों, क्योंकि मार्क्स पैरेलल रूप से क्या बोल रहा था कि आपकी अज्ञानता, अशिक्षा और इसका नशाखोरीकरण आप नहीं है, ये तो कैपिटलिस्ट है जो आपको दबा रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, तो ये आपके दोषी हैं, आप नहीं दोषी। तो उसको थोड़ा सा भय था कि कहीं क्रांति ना हो जाए। अतः राज का कर्तव्य है कि वह इन तीनों बाधाओं को समाप्त करे। इस प्रकार ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य व सकारात्मक उदारवाद की नींव रख देता है, तथा राज्य को आवश्यक बुराई आवश्यक अच्छाई मानता है। आवश्यक नेसेसरी इविल कौन मानता है राज्य को, लिबरल्स, जो उदारवादी हैं लिबरल्स वो मानते हैं, लिबरल्स ये राज्य को नेसेसरी इविल मानते हैं, है ना, उदारवादी। ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियां व अवसर उपलब्ध करवाता है। नैतिक बनने के मार्ग में आने वाले बाधाएं राज्य हटाता है। ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के लिए संपत्ति का नियंत्रण का सुझाव दिया है। तो लॉक राइट टू प्रॉपर्टी देता है लेकिन वो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू प्रॉपर्टी देता है ना, कि आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन अब ग्रीन फिर से समन्वयकारी हुआ है ना, संपत्ति पर नियंत्रण होना चाहिए है ना, पर उसने भी JS मिल की तरह पूंजीवाद को नहीं बल्कि भूमि के स्वामित्व से जुड़ी विषमताओं को शोषण व गरीबी का कारण बताया। राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं, तो बिल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। तो जो लोगों की इच्छा है वो राज्य का आधार है ना, ताकत या शक्ति या बल प्रयोग करना के आधार पर जो राज्य बनेगा वो उसका आधार नहीं होगा। ग्रीन का प्रसिद्ध वाक्य है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा, दूसरों की सामान्य इच्छा की अवधारणा से प्रेरित है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी कानून मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता बाह्य दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से पैदा होती। राज्य व्यक्ति के चेतना का बाह्य विस्तार है। प्राकृतिक कानून व ग्रीन के विचार,
ग्रीन ने प्राकृतिक कानून शब्दों की पुनः परिभाषा करते हुए कहा है कि यह वह कानून है जिनका पालन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना चाहिए, चाहे वह राज्य के यथार्थ कानून के अनुकूल हो या ना हो। प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होते हैं, इनकी खोज अनुभव द्वारा नहीं की जा सकती है। ग्रीन के अनुसार कानून इस दृष्टि से प्राकृतिक कहे जा सकते हैं कि वे सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक। ग्रीन ने स्वयं प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य का भेद इन शब्दों में प्रकट किया। प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य में अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक कानून और विधि पारित कानून में शक्ति तत्व निहित है और नैतिक कर्तव्यों में किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होता है ना। तो ये बात है क्या, प्राकृतिक कानून और नैतिक कर्तव्य में अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि प्राकृतिक कानून और विधि पारित कानून में शक्ति तत्व निहित होता है और नैतिक कर्तव्यों में किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होता है। तो प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉज है या विधि बनाया गया है ना, कोई कानून पारित करके बनाया गया, तो उसपे फोर्स होता है, किसकी पावर होती है, स्टेट की पावर होती है। बल्कि जो जो नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है फॉर एग्जाम्पल माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, अब ये स्टेट द्वारा नहीं बताया जा सकता ना कि आप सेवा करिए, है ना। ये तो आपके ऊपर निर्भर है, स्टेट द्वारा इसको फोर्स नहीं कराया जा सकता है ना। वृद्धाश्रम भी बने हैं तो स्टेट कहाँ तक फोर्स करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्राकृतिक कानून है, विधि पारित कानून है, इनको तो इनमें तो शक्ति होती है, इनको आप नहीं फॉलो करेंगे तो डंडा पड़ेगा। लेकिन जो नैतिक कर्तव्य है फॉर एग्जाम्पल माता पिता की सेवा करना, इनको नहीं पालन करेंगे तो कौन आपको आके आपके ऊपर जो है तो प्रतिबंध लगाएगा या कुछ आपको डंडा मारेगा, नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर उनको आप पालन नहीं करेंगे तो कौन सा स्टेट आपके वो खुद नॉन इन्फोर्सेबल है, उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ये बात संप्रभुता पर ग्रीन के विचार। तो ग्रीन यह स्वीकार करता है कि संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व व गुण है। सामान्य अधिकारों की रक्षा समुचित रूप से तभी संभव है जब राज्य शक्ति का आश्रय ले और कुछ कार्यों में हस्तक्षेप करे। प्रत्येक समाज में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारों को लागू कर सके जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को मानने से न केवल इनकार करते हैं बल्कि उनके उपयोग के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। ग्रीन लिखता है कि हमें संप्रभु को बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली एक अमूर्त वस्तु नहीं समझना चाहिए, बल्कि राजनीतिक समाज की संस्थाओं की संपूर्ण जटिलता के संबंध में ही उस विचार के संबंधों में ही के संबंध में ही उस पर विचार किया जाना चाहिए। यह उसका पोषक है और इस प्रकार समान इच्छा का अधिकर्ता है। प्रतिरोध का अधिकार, राइट टू रेजिस्टेंस। ग्रीन के अनुसार नागरिकों द्वारा राज्य के कानूनों का विरोध करने का अवसर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कभी कभी समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में कुछ असंगति उत्पन्न हो जाती है। ग्रीन की मानता है कि समाज की सच्ची चेतना यदि राज्य द्वारा मान्य किसी कानून या प्रथा को अनुचित या हानिकारक समझती है, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। तो अभी जो कानून आए थे, फार्मूला आए थे ना अभी 3 ठो, तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध किया गया और सरकार आखिर में उसको हटाने के लिए मजबूर हो गई। तो ये इस प्रकार के कानूनों को जो कि लोगों को लगता है कि ये गलत है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है कौन, स्टेट। टीएच ग्रीन, ग्रीन की मानता है कि संविधानिक शासन वाले राज्यों की बुरी विधियों का विरोध यथासंभव संविधानिक उपायों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह विरोध तब तक रहना चाहिए जब तक कि राज्य उन अवांछित विधियों को रद्द न कर दे, फार्मलासिस को लेट करते रहिए। संविधानिक शासन विधि राज्यों में भी विरोध केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार कानून लाए आप उसका विरोध करना शुरू कर दें, केवल विशिष्ट परिस्थितियों में, है ना। फार्मूला से जो किसान वर्ग था उसको लग रहा था हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं, तो चलो ठीक है, वो अब कोई भी मुद्दा सरकार लाए आप उसका विरोध करिए तो वो भी ठीक नहीं। तो यहाँ भी वो समन्वय करता है ना। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि ग्रीन अजा है ना, ग्रीन को समन्वयकारी क्यों कहा जाता है। तो ये है, हर चीज पर वो समन्वय स्थापित करने की बात करता है। विश्व बंधुत्व व युद्ध पर ग्रीन के विचार। तो ग्रीन विश्व बंधुत्व व विश्व शांति के समर्थकों में एक है। बेसिकली एक कांट से प्रभावित है, और कांट क्या कहते हैं, कांट कांट ये परपेचुअल पीस है ना, परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी लगातार पीस की बात करते हैं। तो ये परपेचुअल पीस जो कॉन्सेप्ट है ग्रीन का, उससे प्रभावित है। तो बेसिकली कांट का मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, संगठन है, तो उनके माध्यम से हम परपेचुअल पीस या विश्व बंधुत्व या विश्व शांति ला सकते हैं, ऐसा कांट मानता था। और इसी को आगे ग्रीन ने फॉलो किया। उनकी विश्व भ्रातृत्व की धारणा इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित
रहने का अधिकार है। वह युद्ध की निंदा और विश्व शांति की प्रशंसा करता है, क्योंकि युद्ध व संघर्ष जीवन के अधिकार में बाधक है। जीवन के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय जागृति ही विश्व समाज का निर्माण करती है। भिन्न के अनुसार मानवता के सामूहिक हित में ही व्यक्ति का हित निहित है, और इसलिए कांत की भांति वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना का समर्थक है और चाहता है कि वह समाज स्वतंत्र राष्ट्रों की ऐच्छिक स्वीकृति पर आधारित हो। हेगल के सर्वथा विपरीत ग्रीन का विश्वास है कि राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ मोरलिटी संभव है और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की धारणा कोई कल्पना नहीं है। तो जो ग्रीन है परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट देता है ना, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है ना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोड ऑफ मोरलिटी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो, तो बेसिकली जो हेगल है ये युद्ध का कॉन्सेप्ट देता है ना, कि जो राज्य हैं उनको हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा शांति से, बहुत ज़्यादा सौहार्द से। क्या होता है कि व्यक्तियों में शिथिलता आ जाती है, राज्यों में शिथिलता आ जाती है, और वो तो बहुत ज़्यादा शांति से, बहुत ज़्यादा सौहार्द से क्या हो जाता है कि जो राज्य हैं वो उनमें जंग लग जाती है ना, राज्य बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो युद्ध आवश्यक है। युद्ध क्यों आवश्यक है? क्योंकि युद्ध से पूरी जनता एकत्रित हो जाती है, और जो जंग लगी हुई है लोगों के मस्तिष्क में राज्य के कार्यों में, वो हट जाती है और लोग मतलब एकजुट हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर युद्ध होते रहना चाहिए, ऐसा मानना था हेगल का, है ना। वो हेगल है युद्ध को सकारात्मक फोर्स की तरह लेता है, जबकि ग्रीन इस विचारधारा का विरोध करते हैं और वो विश्व बंधुत्व और शांति के समर्थक हैं। वेपर के शब्दों में ग्रीन के सार्वभौम बंधुत्व का अभिप्राय यह है कि यदि ग्रीन का राज्य अपने अंतर्गत कम बड़े समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो इसे अपने से बाहर बड़े समाजों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो निश्चय दंड पर ग्रीन के विचार। ग्रीन का दंड संबंधी विचार उसके राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। अपराधी की समाज विरोधी इच्छा स्वतंत्रता विरोधी शक्ति है। ऐसी स्थिति में दंड उस शक्ति का विरोध करने वाली शक्ति बन जाता है। ग्रीन के दंड सिद्धांत में प्रतिशोधात्मकता, प्रतिरोधात्मकता और सुधारात्मकता तीनों का तत्वों का समावेशन है। जो प्रतिशोधात्मक तत्व है इस रूप में विद्यमान है कि दंड द्वारा अपराधी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि दंड उसके किए हुए कर्म का ही प्रतिफल है। तो प्रतिशोधात्मक में आप किसी से प्रतिशोध लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मर्डर किया है तो उसका भी मर्डर कर दिया जाए ना, किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। प्रतिरोधात्मक तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे मृत्युदंड या फांसी की सजा होती है या फिर उम्र कैद होती है। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि समाज में एक डिटरेंस बन जाए, है ना, डिटरेंस बन जाए कि आगे से लोग अगर किसी का मर्डर करें तो एक बार ये सोचें कि अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो मुझे भी फांसी हो सकती है। सुधारात्मक तो ये रिफॉर्मेटरी होता है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। तो जो जुवेनाइल एक्ट है भारत में, जुवेनाइल एक्ट है, तो उसमें जो 18 साल के पहले तक के बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल सेंटर में डाला जाता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य रहता है कि उनका सुधार किसी तरह से किया जाए और उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया जाए। तो तीन प्रकार के दंड की प्रक्रिया होती है, इसमें हमने पढ़ चुका है। और प्रतिरोधात्मक तत्व का समावेशन इस रूप में है कि दंड का उद्देश्य समाज में अपराध के प्रति भय का संचार करना है, ताकि मनुष्य अपराधी मनोवृत्ति का परित्याग करे। वही सुधारात्मक तत्व का उद्देश्य है कि दंड द्वारा अपराधी में आंतरिक सुधार की भावना जागृत होनी चाहिए। ग्रीन ने इन तीन तत्वों पर ही न्यूनाधिक बल दिया है, किंतु सर्वाधिक प्राथमिकता प्रतिरोधात्मक अथवा निवारणात्मक डिटरेंट और प्रिवेंटिव सिद्धांत को ही दी है। प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक या डिटेरेंट और प्रिवेंटिव सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है ग्रीन। संपत्ति पर ग्रीन के विचार क्या है? तो संपत्ति पर ग्रीन ने अपने युग की तुलना में एक उदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ना तो वह व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण रूप से समर्थन करता है, ना ही आरंभ से अंत तक उसकी आलोचना करता है। इस प्रकार संपत्ति का समर्थन इस आधार पर किया कि वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो ग्रीन बेसिकली लॉक के जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिफेंड करता है। हालांकि जो किसी व्यक्ति की अनियंत्रित कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास, कि वो पावर को, वो प्रॉपर्टी को
इकट्ठा कर सके। तो कोई एक कंट्रोल होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए इसके माध्यम से कोई व्यक्ति कितने हद तक कोई संपत्ति अपने पास रख सकता है, एक कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि संपत्ति रखने पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध सरकार द्वारा या स्टेट द्वारा नहीं लगाया जाएगा। गृहिणी की संपत्ति विषयक धारणा के बारे में तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय तत्व हैं। कौन कौन से? गृहिणी व्यक्ति का संपत्ति पर इसलिए बल देता है कि उसका प्रयोग सदैव समान हित के लिए किया जाए। तो अगर किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति है उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो जो पैसा आएगा सरकार के पास, तो सरकार उससे कल्याणकारी काम कर सकती है, लोगों की भलाई कर सकती है। वह संपत्ति के समानता को स्वीकार करता है, तो इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए समाज में। संपत्ति के समानता को स्वीकार करते हुए वह अति धन संचय को उचित नहीं मानता है, तो बहुत ज़्यादा आप धन संचय ना करिए, जैसे क्या होगा, इनइक्वलिटी होगी, इनइक्वलिटी होगी तो फिर रिवोल्ट हो जाएगा, और उस समय मार्क्स के विचार हावी हो ही रहे थे, तो इसलिए वो इनइक्वलिटी का विरोध करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग टी एच ग्रीन को पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थिंकर को पढ़ेंगे। तो होप कि आप लोग इस सीरीज को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत अच्छा दोस्तों, ये नोट्स हैं, बेनीवाल सर के नोट्स हैं ये, तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसको सपोर्ट करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो इसी कामना के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, तो मिलते हैं इंग्लिश के लिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।